टीम इंडिया की जीत के बाद श्रीलंका के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को एशिया कप के सुपर फोर के अपने दूसरे मुकाबले में हरा दिया है, जिसके बाद श्रीलंका के दिग्गजों का टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बयान आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको श्रीलंका के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, तो पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के जीत से खुश हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। एशिया कप शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की फॉर्म और तैयारियों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन सिर्फ 3 मैच खेलकर ही टीम इंडिया टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सुपर फोर राउंड के अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को 41 रन से हराकर टीम इंडिया ने खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। टूर्नामेंट के इतिहास में ये 10वीं बार है जब भारतीय टीम फाइनल खेलने उतरेगी और 8वें खिताब के लिए दावा ठोकेगी। सवाल ये है, 17 सितंबर को होने वाले फाइनल में भारत के सामने कौन होगा, पाकिस्तान या श्रीलंका? टीम इंडिया ने इस मामले में पाकिस्तान की थोड़ी मदद तो कर दी है। कोलंबो में लगातार 3 दिन खेलने के बाद भी टीम इंडिया ने अपना पूरा दम दिखाया और मुश्किल परिस्थितियों में भी जीत दर्ज की। रविवार और सोमवार को पाकिस्तान के खिलाफ 228 रनों की धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद मंगलवार को टीम इंडिया ने श्रीलंका की चुनौती को भी पार। श्रीलंका के स्पिन अटैक के सामने सिर्फ 213 रन बनाकर भी टीम इंडिया ने 41 रन से जीत दर्ज की और फाइनल में जगह पक्की की। अब 17 सितंबर को कोलंबो के ही आर प्रेमदासा स्टेडियम में टीम इंडिया खिताब जीतने के लिए उतरेगी। वही दोस्तों, इस हार के बाद श्रीलंका दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले लसित मलिंगा ने इस पर बात करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं टीम इंडिया को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। जिस तरह का फाइट उन्होंने दिखाया वो काबिले तारीफ है। 214 रनों के लक्ष्य को उन्होंने तरह से डिफेंड किया, वो बताता है कि क्यों वो दुनिया के नंबर 1 टीम है। हालांकि श्रीलंकन टीम ने भी अच्छी फाइट की, लेकिन भारतीय टीम को हराना आसान नहीं है। अगर भारत को हराना है तो तुम्हें कुछ कमाल करना पड़ेगा। लेकिन वेलालागे ने भी शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया, लेकिन कुलदीप यादव के 4 विकेट उन पर भारी पड़ गए। वही कुमार संकारा ने इस पर बात करते हुए कहा, भारतीय टीम एक वर्ल्ड क्लास टीम है और इस मैच में उन्होंने वो दिखा भी दिया। चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, सभी सेक्शन में वो वर्ल्ड क्लास है और अभी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से कोई रोक नहीं सकता। सभी कुलदीप यादव के 4 विकेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत में जो रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर अर्धशतक जड़ा था, वही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया जो कि श्रीलंकन टीम नहीं कर पाई। वही फिर स्पिनिंग ट्रैक पर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंद से कमाल दिखाया वो भी काबिले तारीफ था। बुमराह इस भारतीय टीम के बैकबोन है और उनके टीम में वापस आने से भारतीय टीम और भी मजबूत हो गई है। वही जयसूर्य ने बात करते हुए कहा, श्रीलंका को श्रीलंका में हराना उतना आसान नहीं है, लेकिन टीम इंडिया ने ये कई बार करके दिखाया है। वेलालागे ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जो गेंदबाजी कुलदीप यादव ने किया वो भी कमाल था। कुलदीप की गेंदबाजी देख काफी मजा आया। वही जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी कम नहीं थे। हालांकि एक समय वेलालागे ने अपने बल्ले से टीम इंडिया को दबाव में डाल दिया, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने अपने दिमाग को ठंडा रखा और प्रेशर को खुद पर आने नहीं दिया और अच्छी तरह से अपने गेंदबाज को रोटेट किया। कुछ ऐसी ही क्वालिटीज को हम धोनी की कप्तानी में देखते थे। मैं टीम इंडिया को इस जीत के लिए कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा और आशा करता हूँ श्रीलंका और भारत का फाइनल में एक बार फिर से मुकाबला हो। दोस्तों, श्रीलंकन दिग्गजों का टीम इंडिया पर ये बयान आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट जरूर करें।